नमस्कार, मुजफ्फरपुर न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज की कुछ खास खबरें। चिकित्सक की पिटाई को लेकर सदर अस्पताल में जिला स्वास्थ्य समिति सभागार में संघ की बैठक की गई। बैठक में चिकित्सक सुरक्षा के मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई। वहीं डॉक्टर मेहदी हसन ने कहा है कि पुलिस एवं जिला प्रशासन से बात हो चुकी है, अब चिकित्सक को हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि यदि 3 दिनों में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे हड़ताल करेंगे, साथ ही ओपीडी में भी कोई डॉक्टर अपनी सेवा नहीं देंगे। मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर को आधार नंबर अपडेशन के लिए पूरे उत्तर बिहार में अव्वल स्थान मिला है। दूसरा स्थान भागलपुर को दिया गया है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर में 10 माह के अंदर 5300 लोगों के आधार नंबर में हुई गड़बड़ियों को ठीक की गई है। प्रधान डाकघर में आधार कार्ड बनाने के लिए भी हरी झंडी दिखा दी गई है। वहीं अथॉरिटी ने प्रस्ताव देने को कहा है। आपको बताते चले, 11 जुलाई को दिल्ली में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए सीनियर पोस्ट मास्टर भागीरथ प्रसाद को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया था। कुडनी में गैमन इंडिया और तुर्की में हरी कंस्ट्रक्शन में बस कैंप पर नक्सली हमले में शामिल हार्डकोर नक्सली गोविंद सहनी ने एसएसबी के समक्ष समर्पण किया है। गोविंद सहनी वैशाली के पातेपुर थाना के सुक्की का रहने वाला है। मुजफ्फरपुर और वैशाली में गोविंद सहनी के खिलाफ 8 और 6 नक्सली हमला दर्ज है। मीनापुर के अंतर्गत पानापुर ओपी की पुलिस ने उसे 9 सितंबर 2017 को नक्सल बैठक में शामिल होने के आरोप में कोर्ट में पेशी कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इधर नक्सली अनिल राम, रोहित सहनी एवं भारती की संपत्ति जब्त करने की कवायद में पुलिस जुट गई है। मिठनपुरा थाने के क्लब रोड में बदमाशों ने बुधवार की सुबह एमआर कर्मी का बैग काटकर 2 लाख रुपए उड़ा लिए। एमआर प्रतीक विश्वास निजी बैंक से रुपए निकालकर केदारनाथ रोड स्थित अपने घर को निकले थे। इसी क्रम में उसके बैग से पैसे गायब हो गए। एमआर ने बताया कि सुबह 10:30 बजे घर से बैंक के लिए निकले थे। करीब 11 बजे बैंक से 2 लाख रुपए निकाल बैग में पहले से ही करीब 10,000 रुपए रखे थे। घर जाने के लिए बाइक स्टार्ट करने लगे, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। इसी बीच दो संदिग्ध बिना पूछे बाइक स्टार्ट करने में मदद करने लगे। बाइक भी स्टार्ट हो गई। इसके बाद वह जब घर पहुंचे तो बैग खोला तो उसमें रुपए नहीं थे और बैग कटा हुआ था। वहीं इस मामले की शिकायत मिठनपुरा थाने में दर्ज करा दी गई है। बिहार विश्वविद्यालय के छात्रों के एडमिट कार्ड एवं अन्य कागजात रद्दी में बेचने जाने के मामले में निलंबित 3 कर्मचारियों को बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने वापस लाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष रामकुमार, उपाध्यक्ष सुरेश राव ने कहा है कि छात्र नेताओं ने कुलपति को सूचना दिए बिना गलत आरोप लगाकर ट्रक को थाना के हवाले कर दिया था। कर्मचारियों को नोटिस देकर कारण भी पूछा गया था, जिसका जवाब भी मिला। कुलपति के स्तर से 2 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन जांच प्रक्रिया पूरी नहीं कर छात्रों के दबाव में कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। कर्मचारी संघ ने 3 कर्मचारियों को पद पर वापस लाने की मांग की है और कहा है कि अगर कर्मचारी पद पर वापस नहीं आते हैं तो कर्मचारी काम का बहिष्कार करेंगे। छठ बार ट्रेनों से प्रदेश जाने के लिए आरक्षित टिकटों की मारामारी में इन दिनों रेड मिर्ची सॉफ्टवेयर सबसे आगे है। आपको बता दें, रेड मिर्ची की मदद से महज 30 सेकंड में 36 यात्रियों के लिए टिकट जारी कर एक ट्रेवल एजेंट महज आधा मिनट के अंदर ही यात्रियों से 20,000 रुपए से अधिक की उगाही कर ले रहा है। शहर के करीब 100 ट्रेवल एजेंट IRCTC के फर्जी पर्सनल ID से हर दिन करीब 2,500 यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा है, जबकि रेलवे के आरक्षण काउंटर पर कतार में लगे यात्रियों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मूल न्यूज के साथ।